गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इनपुट डिवाइस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस में पहला टॉपिक हमारा है प्रिंटर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंटर किसे कहते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। आपको पता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पर दिखने वाला कोई टेक्स्ट, कोई ग्राफिक्स या कोई इमेज हम लोग प्रिंटर की मदद से ही किसी पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। पेपर जो हमारा होता है वह हमारा हार्ड कॉपी होता है। जब तक मॉनिटर पे हमारा टेक्स्ट, इमेज या ग्राफिक्स दिखता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। प्रिंटर हमें आउटपुट के रूप में टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक्स दे सकता है। इसके बाद जानते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर आपको मैंने एक बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना के दिखाया है कि प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स होते हैं और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट और लेजर प्रिंटर होते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह होता है। ये कैरेक्टर और ग्राफिक्स पर प्रहार करके पेज पर प्रिंट करता है। आप देखते होंगे कि जब टाइपराइटर क्या होता है कि उसमें एक रिबन लगा होता है और रिबन पे कई कैरेक्टर होते हैं और वह कैरेक्टर क्या होते हैं उस रिबन पे चोट मारते हैं और जब वो चोट मारते हैं तभी वह हमारे पेपर पे प्रिंट होते हैं। उसी तरह ये इम्पैक्ट प्रिंटर भी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इम्पैक्ट के बाद हमारा आता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के किसे कहते हैं? तो यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। एक कैरेक्टर का मतलब एक ही वर्ड को। आप टाइपराइटर में भी देखते हैं कि जब एक कैरेक्टर रिबन पर चोट करता है तो एक कैरेक्टर ही उस पर प्रिंट होता है। तो उसी तरह ये इसमें भी रिबन लगा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में टीनी पिंस या हैम्बर होते हैं। हैम्बर का मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है, जो स्याही वाले रिबन पे, जो हमारे रिबन लगे होते हैं उस पर यह क्या करते हैं, वार करते हैं, चोट पहुँचाते हैं, तब जाके यह हमारा प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर केवल ब्लैक एंड वाइट ही पेज पे प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पेपर और इंक रिबन के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट इसके नहीं होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर और इंक वाले जो रिबन होते हैं इसके बीच इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड पेपर पर वार नहीं करता, जैसे कि रिबन पे वार करता था वह चीज़ इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं होता है। इसमें रिबन भी नहीं लगा रहता है। और ये सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि ये साउंड नहीं करता है, क्योंकि आप देखते हैं कि टाइपराइटर जब टाइपिंग करते हैं हम लोग तो उस टाइम वो काफ़ी आवाज़ें आती हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में ऐसा नहीं होता है और यह तेज़ी से प्रिंट भी करता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों ही तरह का प्रिंट निकालता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? तो इंकजेट प्रिंटर जब प्रिंट करता है तो पेपर पर इंक की छोटी छोटी स्प्रे हो जाती है और उस पे उस स्प्रे की मदद से वह पेज पे प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स से ये बहुत तेज़ी से कार्य करता है। कौन? इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इसकी प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इंकजेट प्रिंटर एक मिनट में 5 पेज को प्रिंट कर सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का जो है वह है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है?
तो लेजर प्रिंटर आउटपुट प्रिंट करने के लिए लेजर बीम की बीम का उपयोग करता है। लेजर बीम का मतलब आप देखते होंगे कि जब इस प्रिंट करना स्टार्ट करता है तो इसमें एक रेड कलर की लाइट जो होती है, जो बीम होता है, उसके द्वारा यह प्रिंट करता है। यह बहुत ही तेजी से कार्य करता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रिंट करने से के लिए स्याही, मतलब सूखी स्याही का यूज करता है, जिससे वह फैलता नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी होती है और एक मिनट में 10 पेज यह प्रिंट कर सकता है। ये तीनों प्रिंटर से सबसे अच्छी क्वालिटी लेजर प्रिंटर की होती है। इसका यूज हम लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, जिसमें बहुत सारी हार्ड कॉपियों की आवश्यकता एक बार में पड़ता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग प्रिंटर के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।